यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का रायता, जिसके लिए मैंने एक बाउल दही लिया है, ये वाला एक बाउल दही लिया है। दो प्याज लिए जिसको बारीक काट लिया, एक हरी मिर्ची लिए जिसको बारीक काट लिया, नमक चाहिए हमें, काली मिर्च, धनिया पत्ता, आइस क्यूब लिए मैंने तीन चार। सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। इस तरह से दही को फेंट लेंगे, अच्छे से फेंट लेना है हमें, एकदम स्मूथ कर लेना है। देखिए दही मैंने फेंट लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब डाल देंगे, तीन चार आइस क्यूब है वो मैंने इसके अंदर डाल लिए। प्याज डाल दूंगी, दो मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको बारीक काट के मैं यूज कर रही हूँ। दही को गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से कर लीजिए। हरी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, एक जो बारीक काट रखी है। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च ना डालें। नमक डाल देंगे, काली मिर्ची डाल देंगे। आप इसके अंदर भुना हुआ जीरा या जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास है नहीं, अगर आपके पास हो तो जरूर डालें, उससे रायते का टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। मैंने आधा छोटा चम्मच, मसालेदानी में होता है वो, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। तीखा कम खाते हैं तो ना डालें। देखिए ये काफी अच्छा रायता बना है, काफी टेस्टी रायता बना है। अब हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा डेकोरेट के लिए रख लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर। धनिया पत्ते से काफी अच्छी खुशबू आती है रायते में। प्याज का रायता खाने में बहुत टेस्टी बनता है, आप चपाती के साथ, राइस के साथ इसे खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा रायता तैयार है खाने के लिए, काफी टेस्टी बना है। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,